पहुंचे बहुजन समाज के साथियों, मैं थोड़ी देर लिए थोड़े विचकार खड़ा हुआ क्योंकि जरूरी सी असि अक्सर या मैं अक्सर इस तरह चर्चा करना कि साढ़े लोगों का सम्मान नहीं होता, अपमान असि हजार साल तो अपमान चलते और साडा सम्मान सदियां सदियां तक कदे नहीं होया। पर कोई दिन कोई पल कोई घड़ी ऐसी नहीं आई जब साडा अपमान नहीं। अज जो असं बाबा साहब की कृपा नाल पढ़ लिख ले नौकरी लग ले कारोबार लेके अगे बढ़े तो साड़ी यह समझ आता है कि अगर किसी ने साडा सम्मान नहीं किया तो साड़ी जिम्मेवारी है कि अभी अपने लोगों का सम्मान। ये गल्लां सुन वास्ते कहण वास्ते बहुत छोटियां जदों तुसीं अपने जीवन नाल मिला के देखोगे सदियां दे जीवन नाल मिला के देखोगे कि कदे साडे मूंह ते कुजे बन दित्ते गए कदे लक नाल झाड़ू बन दित्ता गया कदे साडे सिर ते खंभ ला दित्ता गया कदे सानू मरिया होया दे कफन पाने पए और कदे कफना पिछे सानू लड़ना पिया लोगों दी जुड़ियां लैण वास्ते सानू लड़ना पिया। असीं उह लोक आ जिहनां नूं इस देश सूचर कहा गया नीच कहा गया अशूत कहा गया कमी कहा गया कमीर कहा गया लागी कहा गया वगारी कहा गया जानी कहड़ा ना है जिहड़ा सानूं नहीं दित्ता गया और अखीर ते हरी जंग तक पहुंच गए। अगर तुसीं थोड़ी जिही शर्म महसूस करो तो हरिजन तो भैड़ा शब्द कोई नहीं। जिन्हां लोकां नूं अर्थ नहीं पता वो तो जाने असीं हजारां साल तो कुत्ते बिलो बने आए सानूं यह नहीं समझ लगे कि असीं आखिया एक क्यों बने सानूं इस देश के हर मां ने उच्ची जाति के लोगों ने हरिजन तक तहत और साड़ी समझ तो बाहर कि हरिजन का अर्थ की है असि अपने आप में हरिजन लिखते रहे। आज तो 30 साल पहला तुसी लोग हरिजन लिखते रहे अपने भारत के सारे कागजों थोड़ा ना हरिजन लिखा हुआ हरिजन तो भी थले चले गए एक बड़ा होर गिरिजन लिखा गया उधर भी गिरे हुए जानी नजायज औलाद वाले भी गिरे हुए लोग उन गिरिजन कहा जाता है। लागी ये बुलारी ये कमी ये कमूर ये हरिजन ये गिरिजन ये दल ते पटड़े अभी तक कोई नहीं समझ सके सारी बात तो इन्ना अपमान जो मैं अपने लोगों का अपने समाज का अपने बुजुर्गों का अपना जब महसूस करता है तो मेरे अंदर जिम्मे प्यारे चाहिए जानी पेश नहीं जाती अखीरली गल है कि पेश ये गल मेरे दिमाग बहुत चिर जब आज तो 33 साल पहला मैंने पता लग गया हरिजन की है तो हरिजन दार दार गया पहले लोगों तो सही मैं कभी अपने बारे सोचता हूं यार बाबा साहब जी कृपा कि
ऐसा वक्त आया कि मेरी समझ पेगी गल। मैं जो पिंड च खड़े होकर कहना कि थोनू हरिजन जो कहा गया है इसका अर्थ आ है, तो जानी ऐ लगता मैं भी धरती फट जाना धरती फट जा। जे लोग मैं सुनते पिंडे साडे बजुर्ग साड़िया औरतों साडे बच्चे तो मैं देखता अर्धे रो जानी जल उन्होंने सीने को बैठी तमा रोते मैं बजुर्गों रोते देखा औरतों रोते देखे अपने सामने बैठ के तो मैं लगता सीड़ा जाग जब समझ पी पीड़ा जाग जाग और हरे शब्द के उत्ते संघर्ष तो बाद पाबंदियां लगिया हैं। यह तुम्हें पता होना चाहिए कि बाम सेव के संघर्ष तो बाद पाबंदियां लगिया पूरे इंडिया कभी कभी स्टेट ने पाबंदी लाई है तो हरिजन नहीं कह सकते जिन्हें बंद अज तक यह भी पता लग्या कि जिस शब्द के उत्ते पाबंदी लगी है यह मतलब वह शब्द कह दे योग नहीं साड़ी समझ नहीं आया। जी आप बाकी समाज बचाइए कौन प्रभाव करता है साड़ी समझ आया और इंडिया पहली बार चिट्ठी जारी हुई 80-81 के बीच कि इस शब्द से पाबंदी लाई जाती है और उस तो बाद पंजाब पंजाब के हरिशंजन शब्द से पाबंदी लगाई यह अपने आप नहीं लगी। जिन्हें रोज गाला करते हम मां भैन दिया तो पाबंदी क्यों लगाओगे वह हथ रखना पड़ेगा वही धौन से हथ रखना पड़ेगा उन्हें दसना पड़ेगा। जब महात्मा गांधी ने 1932 के हरिजन लिखा उस पहला ब्राह्मण ने लिखा फिर महात्मा गांधी ने सारे नाम देता यानी भारत के बापू ने सारे नाम 1932 और तो बाबा साहब के खिलाफ लड़े फिर याद करना चाहना कि मेरे दिमाग की गल्ला जो जो बत्ती च मैंने एक गल समझ लगी 32 साल पहला 33 साल पहला कि शब्दों का अर्थ ही है तो मैं पूरे पूरे जीवन के शब्द भाले कि पहला मालिक फिर सौदागर फिर गुलाम फिर नीच फिर अशोक फिर सुशूर फिर फिर अभी सुशूर तो बाद शब्द जोड़े लागी कमी कबूल वगैरह फिर अभी हरिजन बोल अंग्रेजी जैसे जीत पर सुनो दबे कुचले लोग हो गए। जब बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी और बाबा साहब जीते तो फिर साडा नाम अंग्रेजी जो गया शेड्यूल कास्ट सानू तो भी नहीं पता कि शेड्यूल कास्ट कदों आया असि 1932 की हो गए शेड्यूल कास्ट गिरी जी बाबा साहब ने की नाम दिता शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है एक सूची सूची है छोटी जी बाबा साहब ने सूची बनाई और जो सूची च आ गए सारे की बन गए शेड्यूल कास्ट ये अपमान नहीं है ये तो थोड़ी पहचान है थोड़ी पहचान होगी क्या शेड्यूल कास्ट इस कोई गाली नहीं है थोड़ी पहचान कर ली तो कौन लोग और फिर थोड़ा नाम एस टी आ गया समाज के ढक के बाहर जंगलों से कर दिए गए और कबीले जे साडे चो है अभी पिंडा च रह गए बस्तियां च रह गए पिंडा दी फैक्ट्रियां तो बाहर रह गए और पिंडा दी फैक्ट्रियां तो बाहर भज के जे जंगलों च कर दिए गए शेड्यूल ट्राइब कबीले हो गए। और जो बाबा साहब ने संविधान लिखा फिर उन्होंने तीन नाम दिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड कास्ट बैकवर्ड नहीं दिता
وہ بھی چیز ہے یاد رکھو بیکورڈ نہیں ہے وہ بھی چیز سمدھان بیکورڈ کا پچھڑی جاتی کا ارتھ ہے شڈیول کاسٹ پلس شڈیول ٹرائب پلس او بی سی دیش کا لوگ ہو رہا ہے بابا صاحب نے دیکھو بڑی تمہیں پچھان کی ہے تو تصویر نے بھی مول دے دو جانی شڈیول کاسٹ ہو شڈیول ٹرائب اور او بی سی کنہوں نے لا کے بیکورڈ سمدھان کے پچھڑی جاتی کام کیا جاتا ہے شڈیول کاسٹ پلس شڈیول ٹرائب پلس او بی سی بھی یہ بھی پچھڑے ہے تین بندہ ہور بھی پچھڑے ہے یہ ہے نا شڈیول کاسٹ بھی پچھڑیا ہے شڈیول ٹرائب بھی پچھڑیا ہے اور یہاں تو بنا ہور بھی پچھڑیا ہے تے پچھڑے کی ویاکھیا کیتی بابا صاحب نے تے جڑے بدھک طور تے پچھڑیا تے جڑے سماجک طور تے پچھڑیا انہوں نے پچھڑیا ہے آرتھک طور تے سارے سمدھان سانو آرتھک طور تے پچھڑے نہیں کیا کسی کی سمجھتے ہیں کہ اسی روٹی کھانے روز کہ اسی رج کے کھانے نہیں کھائے پکھیرے نے ہاں پکھیرے نے اج بھی اسی 20-25 کلو لوگ پکھیرے ہیں اج بھی اسی ساڈے روٹی تو سوتے کھڑے یعنی باوجود بابا صاحب نے لکھا تو دیکھو عجیب بات اس بندے کی گلوں کا سب کے سامنے ہو گئے بابا صاحب نے تمہیں آپ کے طور پر پچھڑے نہیں کیا تمہیں کہنے کیا پچھڑے تار تو دے دے جنہ لوکاں نو بدھک طور تے رگڑیا گیا اون پچھے لے چاہیے پہاڑ دے وچ برہمن واد والوں برہمنا والوں جنہ لوکاں نو سماجک طور تے رگڑیا گیا کہ تسی شورتا ہے تسی شورتا ہے تسی نیچ ہے تسی ہری جن ہے تسی گری جن ہے تسی کمی ہے تسی کمین ہے جنہ لوکاں نو سماجک طور تے آئے رگڑیا گیا انہوں نے بابا صاحب نے کہا پچھلے آرتھک طور تے کیوں نہیں کہا یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ بابا صاحب نے تمہیں آرتھک طور تے نہیں کیا کیوں کیونکہ آرتھک طور تے تکڑے ہونا یہ تھوڑے واسطے بن گئے بس دی گل ہے جب تمہیں موقع ملے گا ایسا کرنے کا تو تم ایک دم تکڑے ہو جاؤ پر سماجک طور پہ تسی جدو تک جات آئے ادو تک پچھڑے رہو تھوڑا نام ہی بدل گل سمجھ لگی بدھک طور پہ پچھڑے کیوں ہیں کیونکہ ہزارہ سال 2200 سال تھانو کسی نے پڑھ نہیں دتا سکون نہیں دیکھ دتا 26 جنوری آج کا دن تھوڑی دیوالی کیوں ہے کہ اس دن سے ہوں گے دنیا بجنیا شروع 26 جنوری اس ہوں گے دنیا بجنیا اور ابو پہلے کہنے دنیا بجنیا گردوارے دیئے دے مندرانیا گرجیا نیا گردوارے دے مندرانیا گرجیا نیا جا کے اسی کی کرتے سی سانو تو کوئی گڑنی نہیں دینا یار تو چھٹو گل تسی کی کر رہے ہو جتنے کھانی ہیں یا تو جھوٹ کھانی ہے جاتا ساڑھے کوئی دور کام سے تو جھوٹ کھانا پہ جتنے کھانا جائے مندر جاؤ رہے جائے گردہ لے جاؤ رہے جائے تسی کتے ہوئے جاؤ رہے اسی جتنے کھانی ہے یہ ساری روٹی بھی ملی سے نا گردہ لے جاؤ رہے تو جتنے کھانی ملی ہے میں تاں کہہ رہے ہیں گردوارا میں سردہ ہے ساڑھے باب دا گردوارا ہے تو یہ باب جو بھی سردہ ہے جتے ہیں کیوں پھر جیسے باہر چھو بٹھے ہیں مجھے کولی کھڑکائی جائیں کوئی آگیا پہ جی آگیا نہیں تو نہیں گاڑ کر لی پجاتے مندر سے گر جائے نہیں جاندے نہیں گر جائے تو پتہ ہی یہ تو میں اسے تھوڑی مصیبت کرتے ہیں تھوڑی مصیبت تو جاتی چاہتے ہیں بابا صاحب نے بتایا کہ جاتی جب تک رہے گی تو ان کو پڑ نہیں دے گا کیونکہ جاتی کا سدھانت ہے کہ جی عورتوں ودیا دو گے تو سپ نہیں دو پیو گے برہم کا لکھا کیوں بھائی رمائن دیو سے لکھا ہے کہ جی عورتوں ودیا دو گے تو سپ نہیں دو پیو گے کیوں کیونکہ کرشن نے کہا ہے کہ عورت پاپ جنی ہے
हरिजन बाप गल थोड़ी ग्रंथ में लिखा है तो बाबा साहब ने सोचा कि जेड़े लोग मानसिक तौर पर पिछड़े हुए है जेड़े लोग विद्यक तौर पर पिछड़े हुए है जिन्होंने ब्राह्मण ने कदे स्कूल जाने का मौका ही नहीं दिया बाबा साहब ने खुद ही मौका नहीं दिया पिता ने जान बाबा साहब तो शायद सही है अंग्रेजों ने मौका दिता पर जिन्हें पढ़ाया उन्होंने शर्त थी कि कमरे च नहीं बढ़ेगा तुम पता इस गल शर्त तय हुई कि जवाब पढ़ सकता तो मालिक की गल कौन मनेगा अंग्रेज मालिक उन्हें क्या पढ़ाना पड़ेगा बच्चे शर्त तय क्या हुई शर्त की तय हुई कि इन कमरे च नहीं बढ़ना जुटियां बैठ गया जाति करके हो तो जो बाबा साहब ना हो गया तो तुम आसानी समझ सकते कि थोड़े ना की हुआ रहा और बाबा साहब ने भी किया कि उन्होंने एक तो थोड़ी व्याख्या करती सारी मैं चाहता सी मैं बाद च बोलता पर मैं क्योंकि गल जी मैं सम्मान से लेके जा रहा मैं उसे घूम के आना पड़ेगा तो मैं दो मिनट की गल घुमा के फिर वापस लेके आना मैं ये कहना चाहता है कि बाबा साहब ने थानू पछड़े करार दिता विद्या के करके पछड़े हुए लोग और समाज के तौर पर पछड़े हुए लोग नहीं कुछ ऊंच लोग कुछ नीच लोग इज्जत करके हो गया हूं थानू अगे जाने वास्ते बाबा साहब ने की किया कि थोड़ा नाम कानून के दर्ज करता शड्यूल कास्ट शड्यूल ट्राइब जोड़ा ओबीसी है वो भी धारा 340 लाख की बाबा साहब ने एक तो जेल जाने वाली धारा नहीं जिम्मे लालू प्रचार से लाभ लेना ठीक है जानी लालू प्रचार में जेल करना तो धारा लागू एक धारा साढ़े लागू कि पिछड़िया जातियां जोड़िया उन्होंने सारे दरते दिते जाएंगे 340 धारा रही दिते जाएंगे तो शड्यूल कास्ट वाले घर के लिए मिलेंगे सारे 345 धारा रही तो शड्यूल ट्राइब में किन्ने मिलेंगे 341 340 41 42 तीन धरावान बाबा साहब ने ला दिया तिना धरावान का नतीजा कि अच्छे इतने बैठे हो अब तुम इतने बैठे हो अपने घर बैठे बोल रहे हो सुन रहे हो पक्की सत्ता कुर्सियां बैठे माइक लग्या होया कैमरे चल रहे हैं कि बनाता है 340 341 342 धारा और इतनी लिखी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लागू कि 26 जनवरी 1950 अज की है अब 26 जनवरी है कि थोड़ी दिवाली का दिन कदम है कि राम लड़िया बड़ा मरवा के वो दिवाली बैठी खुद जो हुए गलों सारिया समझ तो बाद असी फैसला कर मेरे मन च हमेशा रही थी कि साढ़े लोगों का सम्मान और कौन करेगा असं भी करना होगा असी कि सम्मान करते कि मैं थोड़े गल के हार पा दे मेरे गल के हार पा दे यही कर दो मेरे घर हार पा दें मैं साढ़े घर पा दें क्यों क्यों साडा होर तो करना आप तू कर बस की गल बस की अपने लोगों का सम्मान करना शुरू किया और मेरा चल काफी लंबा समा हो गया सम्मान कर दो अज भी सम्मान होगा तो मैं सम्मान करके इन्ना ज्यादा बोल गया क्योंकि जिन्ना चर गल कहे तक ना समझी जाए तो उस गल का अर्थ नहीं रहा हूं थोड़ा ये गल समझ लग गई कि अक्सर अभी सम्मान क्यों करे हालात चो निकल के अभी सम्मान तक आए हैं इस सम्मान बारे भी काफी दसिया और बहुत कुछ ऐसा भी है जोड़ा बाकी रहा है शिंदा कॉल कर बस बई शिंदा कॉल कर
क्रांति टीवी के मालिक और एक क्रांति टीवी चल रहा है, यह साड़ा अपना क्रांति टीवी, ये थोड़े नोट करने वाली चीज है कि यह टीवी साड़ा और आने वाले साल से उसी तरह चलेगा जिस तरह दूजे टीवी चल रहे हैं। बहुत मेहनत करके इतने तक आया और मैं थोड़ा पहला भी दस्या सी कि जब मैं यूरोप में पहली बार बुलाया गया तो पहला कागज इन्होंने भेजा मेरे वास्ते और पहला मैंने को ही रहा, यह मेरे बहुत करीब है, ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा रिश्ता इस करके क्योंकि क्रांति टीवी साढ़े को इको टीवी जो बहरले सूबे ना भी जुड़िए हरियाणा पंजाब हिमाचल जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ ये सारे खेत्र को इको टीवी और इन्हें पढ़ते भी आना आ जाए हौली हौली अगले बढ़ रहे हैं तो यह सारा अज का समागम क्रांति टीवी रिकॉर्ड चल रहा है। दूसरा देशराज जर्मन ये पहली बार जर्मन में भी बुलाया चंदे होना ने तो उस वे मेरे नाल कई दिन रहे अज तो चुप बैठे है ये चुप बनने वाले बंदे नहीं है ये हसते बहुत गल मानो पहला हसना है ठीक है ना तो मैं गल ज्यादा करना हसता करना साडा उल्टा मतलब ये इन्हों के जीवन में बहुत वड्डी खुशी भी है कि एक मनुख है जिहड़ा वो हर गल हसदा ये खजाना हुंदा है ये बहुत बड़ा खजाना हसण ये तो सुधारण गल है पर जी असली गल जी मैं सुनी है इन्हों का बहुत वड्डा योगदान है मेरे जीवन च भी बहुत वड्डा योगदान है मिशन च भी बहुत वड्डा योगदान है इन्हों के घरों उषा साड़ी भैन लड़की उन्हें कली ने 50,000 रुपया कली बाकियों के नाल मैं अपना आप चाहिए अपनी और इन्होंने मेरा कहने 1,11,000 रुपया इसे साल पे गया 1,11,000 अज भी कुछ कहते मैं देना है मगर साधा ने किया है साध का काम होर किया चोरी है भरी जाओ पर साड़ी जिम्मेवारी भरी है एक एक पैसा समाज का समाज की खातर लगे ये साड़ी जिम्मेवारी है ये ध्यान रखना है और मैं कभी जिन्हों लोगों ने समाज का पैसा जोड़ा गलत थान पर वरत्या मैं उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया कभी इस गल बारे बड़ी भी चंगी तरह जान जाए हूं भी बर्दाश्त नहीं कर और जिसे तो हमें सुन मन बेईमान हो तो बिल्कुल बर्दाश्त ना कर आदमी जी लखा रुपये थोड़ा तड़ी तड़ करके जाते हैं ये थोड़े तो भरोसा करके रखते जे थोड़ा भरोसा ना हो कौन किसी ने देना कौन किन्नी एक कारी कोई मूर्ख तो है नहीं पैसे देने वाला मूर्ख नहीं हूं क्योंकि वो अखा काम कर दिया वो बुद्धि काम कर दिया वो जानता है कि मैं किस मनुख को पैसा दे रहा है बावजूद भी धोखा हो जाओ साथियों वड्डा हुंदा आदमी छोटा नहीं हुंदा बहुत वड्डा होता उस तो बाद सरदार रणजीत सिंह कलेता जिहड़े ब्रिटिश के प्रधान है ये जर्मन के प्रधान है ये पूरे यूरोप के कोआर्डिनेटर है चेयरमैन है चिंतन संघ जर्मन के प्रधान सरदार और ग्रीस के प्रधान
रणजीत सिंह ढिलिता जिन्होंने पिछले 22 मई में मैं गड्डी भेट की उन्होंने सारी और इन साथियों ने साढ़े 9 लाख रुपया इन्होंने इकट्ठा करके गड्डी दी। तो थोड़ा पता मैं गड्डी कद ब्याह मंगने च नहीं लेती, ब्याह मंगने से मैं कोई दिलचस्पी नहीं मेरी क्योंकि तो मेरे बिना नहीं हो जाएंगे, पर जिहड़ा काम मैं करना है ये मेरे बिना नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। रणजीत सिंह तो इस तरह बच्चा मनिंदर ये छोटा बच्चा ये बड़ा लड़का होगा क्योंकि वो ग्रीस चा है, इस करके मनिंदर ने भी सम्मान किया है। ये सारा परिवार जरा वो मिशन में काम कर रहा और ये जरा पहला बाबा साहब का पुतला है ये भी उन्होंने सारा सारा जानी में कंट्रोल किया, फिर भगवान बुद्ध का पुतल आप लाया वो भी उन्होंने कंट्रोल किया और अज ये जरा मेरा लाता बुत कई बंदे तो सोचते होंगे भी ये मर गया कि जाऊंगा नहीं बुत तो वो लगे जो मर गया ठीक है कि नहीं, इन तुम की कहो जो मारता गे जाते हो जाते हाँ ज्यौदे ये ज्यौदे सम्मान असल ये बहुत बड़ी गल छोटी नहीं है, किसी के जीवन च घटनावां नहीं वापरदियां, इस तरह तुसीं भी देखा होना है कि साढ़े जीवन च कितनियां घटनावां इस तरह दियां वापरदियां, मेरा ख्याल एक घटना है तुहाडे सामने अजे तक ठीक है कि नहीं।